गाइस दिस इज दीप एंड आज मैं ड्राइव कर रहा हूं 2022 मर्सिडीज-बेंज CLA 35 AMG 302 हॉर्स पावर फ्रॉम इट्स 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन एंड नाउ लेट्स जस्ट लॉन्च इट। सो ये है 2022 सेकेंड जेन Mercedes-Benz CLA 35 AMG। एंड फर्स्ट थिंग आपको जो दिख रहा है वो व्हीकल का कलर, एंड आई थिंक पर्सनली जो है ये व्हीकल के साथ जैसे स्पेक्ट आउट है 35 AMG वेरिएंट में गोज रियली वेल विद दिस व्हीकल। एंड आप जो ओवरऑल व्हीकल का शेप, स्टांस एंड लुक भी देख सकते हो, फ्रंट में भी जो है जैसे पॉइंटेड जो है ये एकदम बम्पर का जो है टिप बाहर आ रहा है, एंड देन ओवरऑल जो है व्हीकल का डिज़ाइन भी है। CLA जो है हमेशा एक जो है जो Mercedes फर्स्ट टाइम ले रहे हैं उनके लिए डिजायरेबल व्हीकल रही है, मेनली बिकॉज ऑफ द लुक्स। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल, ऑफकोर्स अभी ए क्लास वगैरह आती है, बट इसलिए जो हमेशा से जो जब से आई है वन ऑफ द मोस्ट जो है अफोर्डेबल जो है मर्सिडीज रही है। तो मैं ऐसे लगता है कि कोई हाई एंड मर्सिडीज है। पर्सनली जो है मुझे फर्स्ट जनरेशन इतना कुछ खास नहीं लगता था जैसे व्हीकल का शेप था, एंड रियर में जो है बिल्कुल भी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज जो उसके रियर सीट थी, बट स्टिल इसमें भी कॉम्प्रोमाइज रियर सीट है, बट एटलीस्ट ये व्हीकल का लुक जो है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। ये पहले के जो फर्स्ट जनरेशन में लाइन्स वगैरह जो है साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इसमें इतनी नहीं, थोड़ी सी जो है कंपेरेटिवली जो है राउंडेड ये व्हीकल है, बट स्टिल दिस इज रियली हेड टर्नर। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट ये वीडियो भी थोड़ा जो हम शॉर्ट रखेंगे एकदम, जो मर्सिडीज यूजुअल डिटेल्स है उसमें मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, जो CLA स्पेसिफिक है इसके इंटीरियर में एक्सटीरियर में वही जो है हम कवर करेंगे, मेन फोकस जो होगा। दिस इज एक्चुअली अ वेरी फन टू ड्राइव व्हीकल, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो मेन फोकस जो है वो ड्राइविंग पार्ट पे होगा, इसका एग्जॉस्ट साउंड जो है, इसके ड्राइव मोड सिलेक्टर्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड अब इसके फ्रंट में व्हीकल जो इतनी लो है अंदर बाहर बैठने के लिए भी, स्पेशली CLA 35 में जो लोअर्ड थोड़ी है कम्पेयर टू अ स्टैंडर्ड CLA। सो आपको ये जो स्टैंडर्ड वेरिएंट में आती है जो CLA 300 आई थिंक जो है और 250 जो भी उसका जो नेमिंग है उसमें आती है, देन 35 AMG वेरिएंट में आती है, देन फुल जो टॉप ऑफ द लाइन 45 AMG। सो उसमें जो आपको मर्सिडीज का जो वर्टिकल स्लैट्स वाला पॉच पैनामेरा स्टाइल जो आपको ग्रिल मिल जाता है उसमें, एंड आजकल सारे लोग जो है वही ग्रिल लगाते हैं, सो ऐसा ट्रेडिशनल ग्रिल देखना जो आई थिंक इट्स अ रिफ्रेशिंग लुक। यहाँ पे जो है एक चीज़ मैंने नोटिस की, जैसे ये व्हीकल जो है फुल्ली लोडेड नहीं है, इसमें ऑप्शन है, बट मेनली जो ऑप्शन है सारे वो ड्राइविंग रिलेटेड जो है, स्पोर्टिंग रिलेटेड जो है सारे ऑप्शन है। इसमें आप देख सकते हो फ्रंट कैमरा है, एंड ये जो फ्रंट कैमरा एक्चुअल में गाड़ी में आता नहीं है, सो फ्रंट कैमरा की हाउसिंग है, सो ये फेक जो है वहाँ पे जो है उसकी हाउसिंग है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक तो सीधा होता ही नहीं है, नहीं तो एटलीस्ट फुल कैमरा होता है। हाउएवर मैंने जो बोला था प्रीवियस जनरेशन से ये लुक मुझे अच्छा लगा, वो मेनली बिकॉज ऑफ द फ्रंट, जैसे इसके LED जाके आते हैं टू पार्ट्स में, जो इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स आते हैं, ओवरऑल जो शेप भी है, जो कट्स है बोनेट्स पे, स्पेशली 35 AMG के जो है स्पेसिफिकेशन में व्हीकल AMG बैजिंग आ जाती है, ओवरऑल जो है फ्रंट लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगा इसका। जैसे कि यहाँ सारे फेक वेंट्स आते हैं, आई थिंक 45 AMG में भी आपको थोड़े फेक वेंट्स आ ही जाते हैं, E53 वगैरह में उसमें मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक्चुअल रियल वेंट्स आएंगे, बट इसलिए जो है आपको आजकल मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में आपने जैसे देखा फेक वेंट्स आपको फ्रंट में आ जाते हैं। एंड अभी व्हीकल के साइड में CLA का जो है हमेशा यही हाईलाइट रहा है इसका साइड प्रोफाइल, क्योंकि ये जो है पूरी कूप व्हीकल है, ये कूप व्हीकल है पूरा, कूप जैसा आप डिज़ाइन देख सकते हो, एंड जैसे कूप व्हीकल्स में होता है इसमें आपको फ्रेमलेस डोर्स भी जो है ऑफकोर्स फ्रंट में रियर में जो है मिल जाते हैं। चारों डोर पर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आते हैं, मैंने बोला था आपको कितनी लो है ये व्हीकल, ये जो है साइड स्कर्ट्स जो आप देख रहे हो, और ये जो भी है CLA 35 जो आपको स्पेसिफिक मिल जाता है। ये जो है मेरा पर्सनल फेवरेट एंगल है ये व्हीकल में, जो इसका साइड प्रोफाइल इवन फ्रंट क्वार्टर एंगल जैसे आप देख सकते हो जो है लंबी दिख के आती है, रियर क्वार्टर एंगल भी आई थिंक रियर जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है व्हीकल का, जैसे इसके टेल लाइट्स है, ओवरऑल जो शेप है, जैसे जो है क्वार्टर पैनल बाहर निकल के आता है, काइंड ऑफ एक वाइड बॉडी लुक जो है व्हीकल को मिल जाता है। एंड देन पर्सनली स्पीकिंग ये जो है 19 इंच के रिम्स भी है व्हीकल के साथ आते हैं, आई थिंक डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक वे व्हीकल के साथ ऑल्सो गोज रियली वेल। एंड यही जो रियर क्वार्टर एंगल मैंने कहा था मेरा पर्सनल फेवरेट एंगल है व्हीकल में, एंड इवन पूरा रियर साइड से भी कोई कोई व्हीकल्स आपने देखा होगा यूजुअली कूप स्टाइल में होते हैं, कुछ खास नहीं दिखते, बट इवन दैन दिस व्हीकल लुक्स रियली ग्रेट। साइड प्रोफाइल से जो मैंने कहा था जैसे एग्जॉस्ट का जो है ओवर हैंग दिख के आता है, ये जो आप चीज़ देख रहे हो दिस इज रियली अगली, ये जो है रियर क्रैश स्ट्रक्चर होता है, मोस्ट ऑफ द ओनर्स जो है ये सारा चीज़ जो है निकाल ही देते हैं, बट ये जैसे कि ऑफकोर्स प्रेस व्हीकल इसमें होता है, बट नॉट इन दैट, बाकी मर्सिडीज व्हीकल्स में भी मैंने देखा ये चीज़, बट इसमें इतना प्रोनाउंस इतना बाहर निकल के आता है। साइड प्रोफाइल से फोटो भी अगर लेते हो व्हीकल का तो ये जो ऐसा पीछे दिख के आता है, सो लुक्स रियली अगली। एंड मेन थिंग जो अभी आप एक रिवर्स कैमरा देख रहे हो, तो सेम जैसे वोक्सवैगन व्हीकल्स में जो आपने देखा होगा इंडिया में पोलो वगैरह में आता था, सो उसमें भी जो आपको ये जो प्रेस करके बूट ओपन करना है, एंड इसके अंदर ही जो है इसका रिवर्स कैमरा भी है, तो वो डेफिनेटली वॉशर की ज़रूरत नहीं, कैमरा गंदा नहीं होता। सो या स्पीकिंग ऑफ कैमरा, रिवर्स कैमरा में भी जो है आपको ये चीज़ें जो है दिख जाती है, सो आपको हर टाइम जो चीज़ रिमाइंड की जाती है। एंड ये 35 जो AMG ट्रिम है उसमें आपको ये स्पॉइलर भी आ जाता है, एंड ये जो टेल लाइट्स है
इवन हेडलाइट्स एंड टेल लाइट जो रात में जो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, जैसे ऑन एंड ऑफ होते हैं जब भी आप कार को जो है लॉक अनलॉक करते हो, लुक्स रियली ऑसम। एंड ओवरऑल जो काइंड ऑफ ये जो 3D इफेक्ट आता है अंदर भी एकदम डिटेल में जो है वो देख सकते हो। ओवरऑल डिज़ाइन भी इन जनरल जो है काफ़ी अच्छी है। एंड अभी व्हीकल के इनसाइड में, ऑफकोर्स मैं अभी फ्रंट में हूँ, बट रियर का जो है अभी शॉर्ट्स प्ले हो रहेंगे मेरा बैक सीट में जो है बैठने का ट्राई करने के। हेडरूम जो है ऑलमोस्ट मुझे इनफ हो जाता है, बट आई थिंक एनी वन टॉलर देन मे वुड स्ट्रगल। एंड देन इनफैक्ट मेरे ड्राइविंग पोजीशन से भी जो है पीछे कोई 5 feet 5 inch का भी जो है पर्सन हो उसको भी जो है मुझे जो है सीट एडजस्ट करनी पड़ती है। सो अगेन सेम जो प्रीवियस जनरेशन CLA में इश्यूज था, इट्स डेफिनेटली बेटर देन प्रीवियस जनरेशन, बट स्टिल जो है आपको अगर पीछे के मामले में स्पेस चाहिए ना, अगर स्टिल आपको अफोर्डेबल मर्सिडीज चाहिए, आई थिंक द ए क्लास इज द वे टू गो। जो ए क्लास अभी लिमो भी आते हैं जो इंडिया में बोलते हैं, यहाँ पे जो है ए क्लास सेडान जिसको बोलते हैं वो भी अभी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। अभी जो इसके फ्रंट में मेनली जो है इसका इंटीरियर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये जो आप देख सकते हैं टर्बाइन जैसे जो इसके AC वेंट्स आते हैं, देन ओवरऑल जो लेआउट है यहाँ पे जो AMG का डिज़ाइन आता है, एंड इवन रात को जो है इसमें भी फुल एम्बियंट लाइटिंग जो है आपको मिल जाती है। पूरा जो है रात को इसका कैबिन का व्यू जो है बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिख के आता है। ये सारे सिल्वर एक्सेंट्स, ये एल्केंटारा, ये ग्लॉस ब्लैक, ये जो AC वेंट्स का जो फिनिश है विद एम्बियंट लाइटिंग है सीट्स, इट्स रियली ब्यूटीफुल। अभी जो है जो CLA स्पेसिफिक, अभी ये मर्सिडीज़ का जो है प्रीवियस जनरेशन का जो व्हीकल मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है, मैं ये जो है स्कूल के कंपाउंड में तो ज़्यादा जो है एग्जॉस्ट ध्यान ही सुनाऊंगा और डेफिनेटली ड्राइविंग पार्ट में कवर करेंगे। बट ये जो है प्रीवियस जनरेशन है मर्सिडीज़ के इंफोटेनमेंट सिस्टम का, मैंने जैसे कहा एम्बियंट लाइटिंग, सारे फंक्शनलिटीज जो आपको इसमें आ जाते हैं डिटेल में नहीं जाऊँगे। ट्रैक पैड वाला सिस्टम है जो मुझे नहीं अच्छा लगता, इसके पहले जो डायल वाला आता था अभी पूरा जो है टच आपको मिल जाता है, विच आई एक्चुअली प्रेफर। बट स्टिल आप ये जो है पूरा टच स्क्रीन से भी जो इसको ऑपरेट कर सकते हो। एक बस इसमें आता है ऑप्शन जो है मर्सिडीज बेंज का जो है आपको ट्रैक, सो आपका ड्रैग रेस का जो है टाइमिंग आप मेजर कर सकते हो। अभी मैं जब भी व्हीकल लॉन्च करूंगा तो 0 to 100 में मेजर कर सकता हूँ। पूरा ट्रैक टेलीमेट्री, रेस टाइम्स जो है आप सारा जो है इसमें रिकॉर्ड जो है व्हीकल कर लेती है। अभी दूसरा स्टफ जो है इसमें इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अभी ये जो है आप एकदम जो बाकी मर्सिडीज जैसे इसमें डिस्प्लेज नहीं आते और फुल नेविगेशन नहीं आता, ये जो है मैंने सीरीज इसमें स्पेसिफिक देखा है। बट स्टिल आप जो है मैं ये जो छोटू सा ट्रैक पैड है यहाँ से जो है कंट्रोल करता हूँ। राइट के मेन्यूज भी जो है मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ जो ला सकता हूँ, मैंने पर्सनल जो हॉर्स पावर एंड बूस्ट का रखा है, लेफ्ट में मैंने एवरेज का रखा है, बट राइट में भी जो है ये स्क्रीन पे आप नेविगेशन आपको मिल जाता है, एंड ये बड़े स्क्रीन में भी आपको नेविगेशन मिल जाता है। पर्सनली ये जो है करंट जो है मेरा फेवरेट डिस्प्ले। लेफ्ट में आपको यहाँ पे ऑफकोर्स लाइट के स्विच जो है वो आ जाते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक हैंडब्रेक आ जाता है, तो थोड़ा इन्वर्स है, आपको जो है हैंडब्रेक एंगेज करने के लिए पुल नहीं करना, आपको ये बटन को पुश करना है। एंड मैंने जैसे क्या कहा था व्हीकल जो है पूरी लोडेड नहीं है, 360 कैमरा भी आता है जिसका सिर्फ हाउसिंग है फ्रंट में, बस यहाँ पे जो आपको मेमोरी सीट्स वगैरह आते हैं वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती, बस हीटेड सीट्स आपको मिल जाती है। वायरलेस चार्जर वगैरह आ जाता है, एंड ये जो मैंने कहा था मॉडर्न सब टच आता है, स्टिल 2022 में जो ऐसे फिजिकल बटन्स होना क्लाइमेट कंट्रोल्स के सारे विच आई रियली प्रेफर, वॉल्यूम नॉब वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। मर्सिडीज़ का जो हमेशा मेन थिंग रहा है कस्टमाइजेबल वाई ड्राइविंग मोड, आपको न्यू मर्सिडीज़ का एकदम न्यू नहीं है पूरा ट्रैक पैड वाला, बट दिस इज़ द वन आई रियली लाइक। एंड ये जो कूल जो है न्यू मॉडर्न मर्सिडीज़ में जो डायल जाते हैं आपके ड्राइविंग मोड चेंज करने के लिए हो जाते हैं, कस्टमाइजेबिलिटी जो हमेशा ये व्हीकल का जो यही नहीं सारी ये स्टेयरिंग व्हील जो है सारे मर्सिडीज़ का हाईलाइट ही रहा है। आप जो है व्हीकल फुल डायनामिक मोड में रख सकते हो, सस्पेंशन कम्फर्ट मोड में, गियर बॉक्स मैनुअल या ड्राइव पे ईजिली डाल सकते हो, जो है पूरा आप कस्टमाइज कर सकते हो इसको। ऊपर भी ये लाइट्स वगैरह जो आपको अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, पूरा जो है ऊपर आपको बड़ा जो है सनरूफ आता है, पूरा पैनोरामिक रूफ नहीं क्योंकि इतना रूफ ही नहीं है गाड़ी का, बट इसलिए जो रिलेटिवली लार्ज साइज का जो आपको सनरूफ ऊपर मिल जाता है। एंड ऑफकोर्स ये मर्सिडीज़ का जो यूजली बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम रियली है वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम जो है आपको इसमें मिल जाता है। एंड लास्टली जो है यहाँ पे आपको प्लास्टिक पैडल्स वगैरह आ जाते हैं, मर्सिडीज़ का जो है ड्राइव सिलेक्टर यहाँ पे होता है, वाइपर का कंट्रोल जो यहाँ पे होता है, मैं बोला था आपको ऑप्शन भी नहीं है। मर्सिडीज़ में यूजली जो है हीटेड स्टेयरिंग व्हील का जो है स्विच जो है यहाँ स्टेयरिंग कॉलम पे आता है वो भी इसमें नहीं है। एंड देन ये जो एक्चुअल स्टेयरिंग व्हील भी है थोड़ा काइंड ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ है, बट मुझे पर्सनली अच्छा लगा ग्रिप, जैसे कि यहाँ एल्केंटारा वगैरह स्पोर्ट्स व्हीकल जैसे यहाँ पे सेंटर में आपको रेड स्टिचिंग जो है रेड पाइपिंग जो है मिल जाती है। एंड नाउ speaking of all that, let's just take this nice looking jo hai CLA 35MG out for a drive, jo video ka main part hai apna। Isme jo launch control nahi aata, but race start aata hai, left foot on the brake, right foot on the accelerator, it is a pocket rocket। And ye jo hai literally iska jo upshift pe jo hai cracks aate hai na, jo aap jab bhi upshift karte ho on acceleration वो जो क्रैक आता है इट्स रियली अमेजिंग। एंड इवन देन अभी मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ, लिसन टू द पॉप्स एंड क्रैक्स,
एंड स्ट्रेट अवे जो है यहाँ पे जो यूजुअली मर्सिडीज के डाल जाते हैं, मैंने आपको दिखाया था, रियली जो है वन ऑफ द नाइसेस्ट सिस्टम जो है. क्लियरली अभी मैंने जो है व्हीकल स्पोर्ट्स मोड पे रखी है, मैनुअल गियर बॉक्स एंड सस्पेंशन जो है कम्फर्ट मोड पे रखे है, तो वो जो है और एन्जॉयबल बनता है, अनकम्फर्टेबल नहीं होता ऑन डेली रोड्स. एंड इवन ट्रैक पे जाके जो स्ट्रेट अवे यू कैन हैव फन. यस, थोड़ा अंडरस्टियरी फील होगा आपको, बट इट इज रियली अ फन व्हीकल टू ड्राइव. इवन ऑन स्लो स्पीड जो है आपको जो क्रैक्स एंड पॉप्स फील होते हैं. हेलो, मैं थोड़ा शांत बैठ गया था. इवन आई वॉज एंजॉइंग एंड मैंने सोचा जितना जो है, जैसे मेरे पास माइक्रोफोन सेटअप नहीं है अपने, अगर जो है जीप ग्लैडिएटर का जो मेरा वीडियो उसमें देखा होगा तो आपको पता होगा क्यों माइक्रोफोन नहीं है. सो उसके वजह से जो है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई होप जो है इसका थोड़ा सा जो ऑडियो आपके माइक्रोफोन थ्रू जो है अच्छे से आ गया होगा. एंड दैट वॉज फन. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग जो है हम यूजली हर वीडियो में अपना कवर करते हैं इसकी राइड क्वालिटी. कि आई थिंक हमेशा जो है मैंने ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ पकड़ी है कोई भी व्हीकल में, कि वही चीज़ जो है आप व्हीकल जब डेली यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा मायने रखती है. एंड ये व्हीकल में कंसिडरिंग दैट अगर मैं एलेंट्रा एन जो अभी लेटेस्ट जो है ऐसे काइंड ऑफ स्मॉल स्पोर्ट्स व्हीकल मैंने ड्राइव किया है, सो एलेंट्रा एन, वेलोस्टर एन, ये सारे व्हीकल से अगर मैं कंपेयर की जाऊँ सो इट्स डेफिनेटली मोर कम्फर्टेबल. वो सारे व्हीकल्स जो है वो ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं फॉर डेली पर्पजेस, इवन उनके कम्फर्ट सेटिंग में. इसमें भी जो अभी आपको अडेप्टिव डैम्पर्स आ जाते हैं, देन आपका कम्फर्ट मोड आता है, स्पोर्ट्स मोड आता है एंड स्पोर्ट्स प्लस मोड आता है. तो उसमें स्पोर्ट्स प्लस मोड पे भी एकदम भी येस मर्सिडीज की यूजुअली आपने देखा होगा ये जनरेशन जो है स्पेसिफिकली जो है E63S वगैरह आती है, C63S वगैरह आती है, काफ़ी स्टिफ राइड रही है एंड डेली यूज के लिए जो है थोड़े से अनकंफर्टेबल ही रही है. यस, इसका भी स्टिफ है बट जैसे कि एकदम पूरी हार्डकोर A45 या CLA 45 नहीं है, तो उसके वजह से इट्स स्टिल जो है रिलेटिवली कंफर्टेबल एंड एक्चुअल में जो एक अच्छा बैलेंस है, क्योंकि वो जो है पूरा ऑल आउट हो जाता है A45 mg या CLA 45 mg, बट ये आई थिंक जो है थोड़ा सा डाउन एक परफेक्ट जो है बैलेंस हो जाता है. एंड देन स्टेयरिंग भी एक्चुअल में काफ़ी शार्प है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है. सो जो डिरेक्टनेस है स्टेयरिंग व्हील का वो जेन्युइनली जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है. कम्युनिकेशन जो थोड़ा और बेटर हो सकता था बट ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस दिस इज एक्चुअली येस ऑल व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव बायस जो है ये प्लेटफॉर्म है, बट स्टिल ओवरऑल डायनामिक्स जो इट्स एक्चुअली वेरी फन व्हीकल टू ड्राइव. अब इसके जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है वो है BMW की जो है M240i जो आती है वो है, देन जो है ऑडी S3, ये सारे इसके कॉम्पिटिशन हैं. मैंने दोनों व्हीकल जो है वो ड्राइव किए हैं एंड कंपेरेटिवली आई कैन से जो है वो लॉट में जो है पूरा दिस इज एक्चुअली अ फन व्हीकल. मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई थिंक ऑडी से जो है मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस था, BMW से आई वॉज नॉट दैट इंप्रेस, बट ये जो व्हीकल है आई थिंक इट्स मेरे हिसाब से जो है एक पर्सनल पिक है मेरा. ना ना, वो मैंने जैसे कहा था आजकल जो है ये थोड़े बहुत वीडियोस में शॉर्ट रखने का ट्राई करो, इसलिए जो इसमें से भी सारे मेन पॉइंट्स ही कवर किए मैंने स्ट्रेट ऑन पॉइंट जाके. सो एज यूजुअल मैं ये चीज़ जो है वीडियो के स्टार्ट में बोला था अभी बोलता हूँ कि ये जो है ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहना, उसके बाद ही जो है आई गेट टू लिव विद ऑल दिस व्हीकल. ये सारे व्हीकल जो है मेरे पास आते हैं. EQS आई थिंक जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल था. एंड देन ऑफकोर्स अभी जो है इंडिया का ब्रेक है, बट उसके बाद डेफिनेटली जो है मोस्ट एक्साइटेड जो मैं व्हीकल ट्राई करने मिले Hummer EV. पूरा साल जो है मैं Hummer EV करता है. सो होपफुली जो है रिटर्न आके वो सारा पॉसिबल हो जाए. इवन न्यू व्यूअर्स जो है आप जितना सब्सक्राइब करोगे और यूनिक व्हीकल जो है स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन व्हीकल जो है मैं आपके लिए और जल्दी जो है उसके वीडियोस ला सकता हूँ. एंड नाउ विद दैट दैट्स इट इन दिस वन. सी यू इन नेक्स्ट वन.